सो गाइज रेडी हो चुके हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। पूल के बाद सीधे रूम में गए और रूम के बाद मैं तैयार व्यार होके आ गया हूँ। आज मैंने पहना है रेड, ये देखिए कैसा लग रहा हूँ मैं। अब देखते हैं क्या एक्टिविटी होती है, फिर आपको बताते हैं। भाई इधर आ जाओ, इधर अलग अलग कलर तो गाइज हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो एक्टिविटी क्या है कि जो हमारी टीम वाइट है तो हमें क्या करना है कि एक वाइट कलर का फूड, एक ड्रिंक और 5 प्लेसेस पे जाके फोटो क्लिक करके शेयर करनी है। तो हम निकल चुके हैं स्कूटी पे, मैं और योगेश भाई, बाकी हमारी टीम आगे निकली है। तो जल्दी से चलते हैं और ख़त्म करते हैं ये टास्क। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। टीम वाइट जीतेगी, 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 टीम वाइट जीतेगी। देख नहीं सकते हमारा पहला प्लेस मिल चुका है, वो शर्ट जो हमने फोटो क्लिक करा के और शेयर भी कर दी है। और बारिश स्टार्ट हो गई, अब हम नेक्स्ट प्लेस पे चलते हैं अपने जल्दी से। सो गाइज हमारा फर्स्ट टास्क हो गया है कंप्लीट। चर्च में अब जा रहे हैं हम फोर्ट ढूंढने के लिए गोवा में, और एक वहाँ पे फोटो क्लिक करके हमें शेयर करनी है। तो गाइज निकलते हैं हम, चलिए। टीम वाइट जिंदाबाद, टीम वाइट जिंदाबाद, टीम वाइट। सो गाइज ये देखो किला और यही एंट्री है किले की, चलते हैं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने किले पे, देखिए, और हमने फोटो यहाँ पे क्लिक करा ली है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फोर्ट है और हमने शेयर कर दिया पिक। बाकी अगर टाइम मिला तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगा। अभी निकलते हैं हम थर्ड टास्क की ओर। भागो भागो भागो, नेक्स्ट टास्क की ओर। नया टास्क क्या है? फोर्ट से निकल रहे हम, यहाँ से फोर्ट से निकलते हुए दूसरी मंजिल पे। चलिए सो गाइस हमारा थर्ड प्लेस था कसिनो, और कसिनो पहुंच चुके हैं हम। लास्ट हमने यहाँ पे इमेज क्लिक करा ली थी और हमने शेयर भी कर दिया है। महंगी बातचीत भी यहीं पर है, क्लब भी। सो गाइस हमने अपने फोर्थ प्लेस पे भी पिक क्लिक करा ली है, वो है क्लब। चलो चलो लास्ट रह गया गाइस, हमने क्लब में भी जाके फोटो क्लिक करा ली है। अब हमारी लास्ट लोकेशन रह गई है मंडोला रिवर, उसको सर्च करते हैं। मंडोरा, सॉरी, मंडोवी रिवर, उसको सर्च करते हैं, देन फोटो शेयर करते हैं। और ये वाला टास्क हमें ही जीतना है गाइस, चलिए भागते हैं। तो गाइस हमारे पांचों प्लेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ये फोटो भी और वीडियो भी शेयर कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो ये जीतना हमें ये टास्क बनाया। अपने होटल में पहुंच चुके हैं गाइस, और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है सारी एक्टिविटी, और जो भी हमने इमेजेस क्लिक किया है वो शेयर करते हैं मैडम को। बहुत मेहनत लगी भाई, बहुत मेहनत लगी है भाइयों। काले हो गए मत, कोई बात नहीं, सिस्टम पार देंगे। काले हो गए गाइस, सारे जो भी बोला था मैम ने सबमिट करा रहे हैं हम, और मैम यहाँ बैठी हैं बॉस।
नहीं नहीं अभी हमें गाइस हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का, आधे आ गए आधे रह गए, टीम सबको सबमिट कराना है यहाँ पे। मैं पहले आ गया था, मैंने सबको आते हुए देखा है गाइस। हम लोग नहीं, विकास भाई आप यहाँ फोन बात कर रहे थे, मैंने देख लिया था अब तो नहीं फोन नहीं फोन तो ये लोग हैं जो फर्स्ट आए, राइट? ठीक है, हम लोग थोड़ा सा उससे हो गए, अदरवाइज हम ही फर्स्ट आते। तो गाइस फाइनली टास्क कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं अपने रूम में। अब थोड़ी देर रेस्ट करना है, फिर एक और टास्क है वो है बीच पर, तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। तब तक के लिए टाटा। सो गाइज हम अपने होटल से बाहर निकले हैं कुछ लंच वगैरह करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटी के बाद हम थोड़ा टायर्ड हो गए थे, तो रेस्ट वेस्ट किया अपने होटल में जाके। अब हम बाहर आए हैं और कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा खासा मिल जाता है खाने को क्योंकि नहीं, अभी तो घूम रहे हैं थोड़ा। हमें एक रेस्टोरेंट मिल चुका है खाना खाने के लिए और हमने ऑर्डर कर दिया अपना लंच। बस मैंने तो एक करी है वेज थाली और एक किया है चाउमीन, मशरूम चाउमीन, और बस उसी का वेट कर रहे हैं। फिर खाना खाने के बाद देखते हैं कहीं घूमने जाते हैं कि नहीं, मन तो है घूमने का क्योंकि एक एक्टिविटी और है बीच की, तो वो भी करनी है, तो अगर टाइम मिलेगा तो चलते हैं, नहीं तो फिर एक्टिविटी तो है ही। सो गाइज लंच हमने अपना डन कर लिया है और वॉक करते करते पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं ये देखिए, जहाँ सुबह आए थे टास्क करने के लिए। कौन सा फोर्ट था ये? अकोड़ा मिनी, मिनी अकोड़ा फोर्ट है ये देखिए, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, इतना औसम और खूबसूरत व्यू है, समंदर इतना नहीं रहा हुआ। गाइस देखिए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, ये देखिए और ये देखिए। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा ऑसम प्लेस है ये, अगर आप गोवा आए तो यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा व्यू आता है यहाँ से, फोटोज वगैरह रील वगैरह अगर बनाने का शौक है तो बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आइए खड़े हुई और सामने समुद्र को देखिए, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ये समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। गाइस हम थोड़ा सा रुके हैं शॉप पे क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे काजू वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं हर शॉप पर, तो हमने सोचा ही देखते हैं कि क्या हिसाब है यहाँ पे। आ कुछ पसंद तो गाइज़ यहाँ से शॉपिंग कर लिए, थोड़े से काजू लिए हैं क्योंकि यहाँ पे फेमस, मुझे वही लगा कि काजू ज़्यादा हर शॉप पे मिल रहे थे तो काजू ले लिए, अलग अलग तरह के हैं काजू, बाकी टेस्ट भी अच्छा था, आओ तो आ सकते हैं आप, ले जाओ। सो गाइज़ रेडी हो चुके हैं हमारी नई एक्टिविटी के लिए जो है बीच पर निकलते हैं, और मैंने अपना आउटफिट चेंज कर लिया है। सो गाइस पहुंच चुके हैं हम बीच पर, क्योंकि आज की जो एक्टिविटी थी वो बीच पे है, हम पहुंच चुके हैं और आपको भी दिखाते हैं बीच, और सबसे पहले तो हम अपने टीम मेंबर्स को ढूंढते हैं क्योंकि अभी तो हम दोनों ही हैं, बाकी टीम वाइट का हैं देखते हैं, और बाकी हमारे ऑफिस के कलीग्स का हैं उनको भी। ओह
सो गाइस पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर, सारे टीम मेंबर एंजॉय कर रहे हैं और हम भी एंजॉय करते हैं बीच पर। अब देखते हैं एक्टिविटी कितनी देर में स्टार्ट होती है, इतने एंजॉय कर लेते हैं। और विकास सर देखिए हमें बीच में मिले हैं, जो कि वॉक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बाकी टीम मेंबर फोटोग्राफ और रील निकाल रहे हैं। तो सही है गाइस, इतना हम इंजॉय करते हैं, आप भी करिए इस ब्लॉग को और मिलते हैं जल्दी। गाइस तुम्हारे भाई ने एंड वक्त तक बहुत ज्यादा है, कोई बात नहीं। सो गाइस एक्टिविटी खत्म हो गई है और रात भी हो गई है, अब चल रहे हैं होटल पे, वहाँ पे डिनर है। और चलो जी योगेश भाई स्कूटी चलाएंगे और अपने होटल पहुंच रहे हैं, उसके बाद डिनर करेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो भाई निकालो। सो गाइस डिनर करने आए हैं हम यहाँ पे और डिनर स्टार्ट हो गया है, सबसे लेट हो गए थे हम, थोड़ा सा सो गया था मैं तो देखते हैं हम डिनर कर लेते हैं। मीठा खाया है मैंने आते ही और जो ख़त्म कर दिया आइसक्रीम, गुलाब जामुन लेके आया था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। अब देखते हैं, और कुछ ज़्यादा मन कर नहीं रहा है मुझे खाने का, क्योंकि मैंने लंच में बहुत ज़्यादा खा लिया था,